कि अपने इकलौते बेटे को गिरवी रखाते हैं सेठ ताराचंद। और जब बेटा बड़ा हो गया तो वो लड़का संगलदीप रुई का व्यापार करने के लिए चला जाता है। संगलदीप में जैसे ही पहुंचा तो उसकी शादी धर्म मालती लड़की के साथ हो जाती है। और जब शादी होकर उसको लेने के लिए चलता है तो न्यू सोचने लगा, अरे मैं खुद ही दूसरों के टुकड़ों पे पलता हूँ, दूसरे के यहाँ गिरवी रखा हुआ हूँ, अगर मैं इस धर्म मालती को भी अपने साथ ले जाऊंगा तो सेठ सेठानी शायद मुझे घर से ही निकाल दे। जैसे ही धर्म मालती की आंखें लगी तो चंद्रगुप्त वहां से सोती हुई को छोड़ के चला जाता है। जब धर्म मालती की आंखें खुली तो चारों तरफ लखाने लगी कि हाय पियाजी, हाय पियाजी, अरे इतनी देर से आवाज मार रही हूं, कहां हूं आप? अगर पियाजी पास हो तो आए, लेकिन पियाजी तो उसे छोड़ के चले गए। दादा लक्ष्मी चंद जी ने यहां का हवाला लिखा, वह धर्म मालती हार श्रृंगार टोम ठेकरी एक पोटली में बंद कर लेती है और साधु का भेष बना लेती है और कैसे अपने पियाजी को ढूंढने के लिए चल पड़ती है। क्या लिखा इस रानी के माध्यम से, हे रे जहाज के मा बैठ सेठानी, वाते आई दिल्ली होती मिले नंद का भाई तेरे में के से जाने आई दिल्ली में होती मिले नंद का भाई दिल्ली में जहाज के से करो
दर्शन दे रे, मैं फिर दोबारा दर्शन दे रे। अन्यायी दिल्ली में मैं तड़प तड़प के मरूं बहुत दुखा। घाट पे आके आधुनी